दोस्तों नमस्कार। अभी मौसम चल रहा है हरे चारे का और हरा चारा बहुत अच्छा बकरियों को मिल रहा है, लेकिन इसमें कई जगह कई प्रकार की गलतियां हो रही है और इन गलतियों की वजह से फिर पशु जो है वो चारा खाता कम है। अक्सर सभी शिकायत कर रहे हैं कि आजकल बकरियां जो है वो चारा कम खा रही है। तो भाई कम क्यों खा रही है, आप सोचिए। पहला काम आपने किया या नहीं किया, देखिए नंबर वन, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ उसमें सबसे प्रथम आपको डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए। ये देखना है कि किसी भी अच्छी दवा से आपको डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप डिवॉर्मिंग करवाइए किसी भी अच्छी दवा से। उसके बाद लीवर टॉनिक दीजिए। तो भाई ये दोनों बातें हैं जो आप सभी जानते हैं। मैं भी आपको बार बार कहता हूँ कि अगर खाना नहीं खा रही है, कम खा रही है, चारा कम खा रही है, तो प्लीज़ ये काम कीजिए। इसके अलावा अभी जो चारा कम खाने का जो कारण आ रहा है वो आ रहा है कि आप सिर्फ हरा ही हरा खिला रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कम से कम 25% पहला जो काम मैं लूँगा वही यही लूँगा कि कम से कम 25% तक सूखा चारा भी खिलाइए। ये काम आप नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको करना पड़ेगा, तभी उसकी आंतें जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी। उसका जो पेट है, स्टमक जिसको हम रूमन बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप सूखा चारा मिक्स करेंगे तभी। इस वजह से ये परेशानी सबके साथ आ रही है। अब आपने डिवॉर्मिंग भी कर दी और आपने ये लीवर टॉनिक भी दे दिया और सूखा चारा भी खिला रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपकी बकरी नहीं खा रही है, तब भाई हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। दो प्रकार के बोलस आपको मार्केट में मिलेंगे, दोनों में से आधी आधी बोलस आप लाइए, 3 कप चाय बनाइए, हम जैसी चाय पीते हैं, और वैसी ही चाय बना करके छान करके ठंडा करके दोनों गोलियों में से आधा आधा आप उसमें मिला दें और सुबह शाम मात्र 2 दिन दे दें, जितने में वो बराबर खाने पीने लग जाएगी। अब वो गोलियां कौन कौन सी है ये भी आप लिख लीजिए। दूसरे नंबर पर मैं लूँगा, पहला काम ये आपको करना ही करना है भाई, ध्यान रखना। और दूसरा जो है वो है बोलस बायोबूस्ट, कोई सी भी। मैं बायोबूस्ट की नहीं कहता, आप वोकाजिस्ट भी ले सकते हैं, कोई सी भी बोलस जो भूख बढ़ाने वाली हो और अंदर माइक्रोफ्लोरा को भी ग्रोथ करवाने वाली हो। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन वर्ड्स के बारे में आपको पता नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेके आएंगे। तो ये बोलस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देनी कितनी भाई, हाफ बीडी, यानी आधी बोलस सुबह शाम देनी है। अब इसके साथ आप तीसरे नंबर पर, क्योंकि अभी क्या है, छोटे मोटे इन्फेक्शंस, छोटे मोटे दर्द, कभी कभी बुखार, ऐसी शिकायतें भी बकरियों में देखी जा रही है, तो आप मेलोनैक्स प्लस को साथ में जोड़ दीजिएगा। मेलोनैक्स प्लस, और ये मेलोनैक्स प्लस कितनी देनी है, वही हाफ पीटी, बस 2 दिन दे दीजिए, एकदम से क्लियर है। लेकिन पहले वाली बात को पूरा ध्यान रखिएगा कि आपने डिवॉर्मिंग करवाई कि नहीं करवाई, लीवर टॉनिक दी या नहीं दी। ये जो मैंने बोलस बताई है प्रेगनेंसी की हर स्टेज में सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं। हाँ, 1-2 दिन में बच्चा देने वाली है तो वो अगर कम खा रही है, उसके पीछे आपको पता है रीज़न ही अलग है, तो वहाँ नहीं देना है, उसको छोड़ करके आप कभी भी दे सकते हैं।